हेलो फ्रेंड्स, सब लोग का गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आई नेहा दीदी का चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हम खेतों में आए हैं, जैसे कि आज जो है कुर्थी का दाल और चावल और टमाटर का चटनी बनाएंगे, क्योंकि कुर्थी का दाल जो है ठंड का मौसम में जो खाने में जो है बहुत अच्छा रहता है, और ठंड के मौसम में ही खाने का भी मन करता है, और सभी लोग ठंड में ही खाते हैं। और अभी जो है हम कुर्थी का दाल बनाएंगे और चटनी बनाएंगे टमाटर का। तो अभी जो हम खेतों में आए हैं टमाटर और हरा मिर्च लेने, क्योंकि कुर्थी का दाल में जो है हरा मिर्च ही जो है उसका स्वाद लगेगा, और लहसुन से जो है छनकाते हैं, और तो उसके साथ जो है टमाटर का चटनी ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी हम देखिए टमाटर लेने आए हैं खेतों में, तो चलिए हम तोड़ लेते हैं। और उसके बाद जो है मिर्च भी तोड़ लेंगे। और ठंड का मौसम में जो है जो कुर्थी यहाँ नहीं खाते होंगे, कुर्थी खरीद कर पहले अगला वर्ष हम लोग का कुर्थी नहीं हुआ था, तो हम लोग को 15 किलो जो है कुर्थी ले आया था, और फिर बिहन के लिए लिया है तो थोड़ा बहुत बच गया। तो हम लोग ठंड तो उस समय ख़त्म हो चुका था, फिर भी हम लोग बनाते थे, क्योंकि कुर्थी का दाल हमारे यहाँ बहुत सभी लोग पसंद करते हैं खाने में। तो चलिए अभी हम कुर्थी कल जो है रहर का दाल बनाए थे, क्योंकि रोज़ रोज़ बोले थे तो बच्चा लोग जो है रोज़ रोज़ नहीं खाता है ना, तो बच्चा लोग बोला कि रहर के दाल खाएंगे, इसलिए कल जो है रहर का दाल बना लिया। कल हम लोग को नहीं खाना खिला रहा था, लेकिन आलू का भी सब्ज़ी बनाए थे, आलू टमाटर मिक्स करके और ज़्यादा टमाटर डाल देते तो अच्छा ही लग रहा था खाने में, और मूली भी उसमें ऐड किए थे। तो चलिए आज जो है कुर्थी का दाल और चावल और टमाटर की चटनी, और बच्चा लोग के लिए आलू आगे में ही जो गोड़ देंगे, उन लोग के लिए दो चार ठो चोखा बना देंगे। और नहीं तो अजिंक और अंशिका बहुत रोते हैं, चटनी नहीं खाती है वो, आलू खोजता है दोनों, ज़्यादा करके अजिंक या खोजता है। तो चलिए अभी हम जो है टमाटर और मिर्च तोड़ कर चलते हैं घर पे। और उसके बाद जो है आग वगैरह जो हम जला चुके हैं और अदहन भी चढ़ा दिए हैं, और उसमें हमें दाल ऐड करना है, चावल वगैरह सब धोना है, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं तोड़ कर। देखिए कुर्थी का दाल है, तो चलो इसको पानी से जो है मोल लेते हैं। क्या करेगा अब इसको, मोह ऐसे ऐसे करो करेगा, हटो 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 हटो। कुर्थी का दाल जो है मोह करके है तस्वीर में ऐड करते हैं ना, तो क्या करेगा ना कि वो फेंक देता है पूरा। चलिए मोह करके तैयार कर दें, तो चावल हम चावल पर या लेते हैं इसमें, ठीक है? तो चलिए चावल धो करके ले आते हैं। को आधा आधा कर दिया बाबा, कैसे देखे देखो छोटा होगा था। हम थोड़ा देर में पहले तसली में जो है दाल ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो है दाल अदहन बोल चुका है दाल के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और चलिए मसाला पीस लेते हैं और चावल जो है परिया लेते हैं। दाल में नमक ऐड करते हैं स्वाद अनुसार। तो देखिए मसाला भी पीस चुके हैं और चावल भी धो दिए हैं, तो चलिए मसाला जो है दाल में ऐड करते हैं, और चलिए चावल भी जो है, चावल का जो है अदहन बिल्कुल अच्छे तरीके से बोल चुका, देखिए आवाज़ भी कर रहा है। तो चलिए चावल ऐड करते हैं इसमें, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टमाटर और मिर्च जो है हम पका लेते हैं। इधर अंगोरा निकाल करके पका लेंगे सब। तो चलिए मेरा दाल जो अच्छे से पक गया है, तो चलिए दाल छनका लेते हैं। तेल जो है जल चुका है, तो इसमें लहसुन ऐड करते हैं। तो चलिए दाल हो चुका है, चटनी जो अच्छे से बनाइए लिए हैं, तो इसमें तेल ऐड करेंगे हल्का सा, करूगा के तेल, सरसों का तेल एकदम। तो ये देखिए तेल है, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए दाल भात जो है बनकर, दाल और कुर्थी का दाल चावल चटनी बनकर तैयार हो चुका है।
आलू पकाए तो आज ही करों से आलू ये लेके भाग गए हम लोग। ठंडा है छोड़ दिए खाने के लिए, चोखा हम लोग को नहीं बनाने पर लेके हम लोग चला गया। तो चलिए दोस्तों, कुर्थी का दाल और चावल और चटनी और आलू का जो है चोखा बाबू लोग के लिए बनाते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में करके बताइएगा कि बाबू और जिन के क्या क्या खाना खाया है, क्या क्या खाना खाया है। भात आओ, आलू आलू का चोखा खाया है इसलिए कहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय। बाबू बाबू अजय।